नमस्कार किसान भाइयों, किसान भाइयों आज हम आपको दिखाना चाहते हैं कि गन्ना से गुड़ कैसे बनाया जाता है। आप लोगों ने बहुत देखा होगा वीडियो, बहुत सारी वीडियो में बहुत तरीके से दिखाया जाता है, हम भी दिखा रहे हैं कैसे दिखा रहे हैं। आप लोग इसको देखिए कि कौन से गन्ना में ज़्यादा गुड़ होता है और कौन से गन्ने में ज़्यादा फ़ायदा है और क्या रेट चलता है उसका, कैसे उसका पेराई होता, कैसे गुड़ बनाया जाता है, इन सब के बारे में मैं आपको जानकारी दूं। उससे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन उसको दबाइएगा ताकि हमारी अगली वीडियो जैसे आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जल्दी कीजिए आप लोग मेरा। देखिए यहाँ पर गन्ना आ चुका है, गन्ने की पेराई भी चल रही है और कौन सा गन्ना है। हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा गन्ने की पेराई होती है वो है 0238 और 0239। इसमें सबसे ज़्यादा रस निकलता है और ये गन्ना मिल और जो क्रेशर वाले हैं सारे लोग 238-39 का ही ज़्यादा खरीद फरोख्त करते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा गुड़ और ज़्यादा चीनी निकलती है। तो देखिए अब हम आपको दिखाते हैं कि गन्ने की पेराई कैसे हो रही है। यहाँ पर देखिए दो कोल्हू लगा हुआ है, एक तो मौके पर बंद है और एक चल रहा है। जो चल रहा है उसको देखिए किस तरह से उसमें गन्ना लगाया जाता है और कौन सा तरीका है लगाने का उसका और कैसे रस निकल रहा है। देखिए आप हम दिखाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं गन्ने की पेराई चल रही है, जो कोल्हू लगा हुआ है, कितना इसमें पट्टा चौड़ा सा लगा हुआ है, किस तरह से चल रहा है। ये मोटर और इंजन दोनों से चलता है, तो दोनों कोल्हू को भी चलाता है इंजन और बिजली से भी, मोटर से भी चलता है। तो इस समय बिजली से चल रहा है, देखिए कोई आवाज़ नहीं है, कितना आराम से चल रहा है और कितनी क्वांटिटी में कितने के कैसे इसमें गन्ने को लगा रहे हैं, कितनी ज़्यादा मात्रा में लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं लगातार इतना हैवी ये कोल्हू है, इतना ज़्यादा गन्ना खींचता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और कितना भी गन्ना इसमें लगा दे जो जगह है उसमें लगाया जा रहा है और कितनी तेज़ी से रस निकल रहा है। आप देख सकते हैं रस जो है निकल करके यहाँ पर जाली लगी हुई है, इस जाली के माध्यम से सारा कचरा यहाँ पे निकलता है, रुक जाता है और फिर दूसरी जाली लगी हुई और भी छोटे से आता है, यहाँ से रस निकल करके पाइप के माध्यम से नीचे नीचे ज़मीन के पाइप के माध्यम से ये रस आप देख सकते हैं कहाँ जा रहा है। देखिए ये ईंट लगा है, ईंट के नीचे से पाइप लगाई गई है और यहाँ पर एक छोटा सा हौज बना है, यहाँ पर ये रस आ रहा है। किसान भाइयों देखिए यहाँ से ये रस निकल रहा है, यह रस निकल करके सीधे हौज में जा रहा है जो कि यहाँ पर ये पकाने का स्थान है। यहाँ पर चार बहुत बड़े बड़े हौज लगे हुए बने हैं, इसको क्या बोलते भैया, कराह, ये कराह है, ये चार कराह बना हुआ है, वहाँ से झुकाई होती है, जो खोइया है इसका स्क्रैप जो निकलता है वो सुखा करके उसी से इस गन्ने की पकाई होती है और डायरेक्ट रस इसमें आता है और यहाँ से आकर के इसमें दूसरे में डालते हैं, दूसरे में डाल करके इसमें ये लोग रखे हैं भिंडी, जो जंगली भिंडी होती है उसकी जड़ और तने को ला करके उसको कुटाई करके फिर पानी डाल के एक छोटे से टब में उसका पानी निकाल कर इसमें डालते हैं, जिससे इसमें जो मैल और कचरा है वो छान करके निकाल दिया जाता है, यहाँ बगल में रख दिया जाता है और ये रस एकदम साफ हो जाता है। दूसरे से फिर तीसरे में डालते हैं, यहाँ भी पकाई लगभग इसका जो प्रोसीजर है उसी तेज़ी से चलता रहता जैसे आगे वाला है, लेकिन थोड़ा सा कम है। अब वो पक चुका है लगभग, उसको निकालेंगे, निकालने के बाद इसमें से जो रस है वो उसमें डालेंगे तो ये भी तुरंत ही पकना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर जो गन्ने को फेर करके उसकी जो खोइया होती है वो निकलता है, उसको इस तरफ सुखाया जाता है और सुखाने के बाद ला करके यहाँ पर रख के उसी से इसकी झुकाई होती है जिससे गुड़ यानी रस पकता है और गुड़ बनता है। तो देखिए यहाँ पर ये दादाजी किस तरह से इसकी झुकाई कर रहे हैं, लगातार इसमें डाला जाता है और झुकाई जारी रहती है। तो इस तरह से देखिए अब हम आगे दिखाते हैं आपको, यहाँ पर जो लास्ट वाले हौज में कराह में गुड़ पक गया है उसको निकालने की तैयारी चल रही है, उसे यहाँ पर निकाला जाएगा और यहाँ निकाल करके कितना भाप उड़ रहा है यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरह से देखिए इसको इससे निकाला जाएगा, निकाल करके कई बार इधर उधर पलट करके गुड़ बनाया जाएगा। गुड़ बनाने का ये प्रक्रिया यहाँ पर बना करके रखा गया, आप देख सकते हैं कैसे बनाया गया है। हाथ में ये क्या है भैया, पानी, पानी हाथ में पानी लगा करके, क्योंकि ये गर्म रहता है
उसको हाथ में पानी लगा करके उससे इस तरह से छोटा छोटा बना करके बनाया जाता है और ये धीरे धीरे सूख जाता है। सूख करके ये तैयार हो गया है, गुड़ बन के बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं गर्म भी है और गीला भी है। ये जब तक सूखेगा पूरा तब तक ये लोग बना करके इसको रख देंगे सूखने के लिए और अच्छे से गुड़ तैयार हो गया। इस तरह से इसका प्रोसीजर है गुड़ बनने का, रस निकालने से लेकर के गुड़ बनाने तक का इसकी यही प्रक्रिया है। अब हम आपको आगे दिखाते हैं इसकी पैकिंग कैसे होती है और सेल कैसे किया जाता है। ये है गुड़ पैक करने का तरीका और इनका स्पेशल गुड़ के नाम से है, भारत में निर्मित प्रीमियम क्वालिटी गुड़ है और इसी में गुड़ की पैकिंग की जाती है। पहले प्लास्टिक की पन्नी की थैली लगाई जाती है, थैली लगा करके उसमें गुड़ डाला जाता है और फिर उसको बंद किया जाता है, बांध दिया जाता है थैली को। शायद हाँ इस पर पन्नी लगी है और इसे बांधा जाएगा। उसके बाद इस कार्टून को पैक किया जाएगा। एक कार्टून में 20 किलो गुड़ पैक किया जाता है, 20 किलो का पैकिंग होता है, उसके बाद सेल किया जाता है। तो इसे गुड़ को बाहर भी भेजा जाता है और यहाँ पर भी अगर कोई ग्राहक आता है या कोई सेलर आता है थोक में लेता है तो उसे भी दिया जाता है। इस तरह से गुड़ बनाने का और सेल करने का, पैकिंग करने का पूरी प्रक्रिया है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में बेल आइकन उसको दबाइएगा ताकि हमारी अगली वीडियो जैसे आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।